तो आज हम ऐसे एक वर्ल्ड में खेलने वाले जिस वर्ल्ड में है माइनक्राफ्ट सेस्ट आर ओपी। तो आज हम यही देखने वाले। एंड देखो भाई क्या मस्त सीध है ना, मेरे तरी इस ब्लॉक पे स्पॉन हुए, इस ब्लॉक पे, और यहाँ पर सामने ही विलेज। ओ माय गॉड क्या बढ़िया भाई स्पॉन मिला है मेरे को। एंड मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, एंड यहाँ पर सेस्ट नहीं है, बट यहाँ बैट है, बैट ले लेते हैं, बैट काम का आएगा। एंड यहाँ पर ये देखो वुड है, वुड तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वुड तोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सेस्ट ओपी ओपी मिलेंगे। यस, और इस घर में ज़रूर सेस्ट होगा, आई नो, क्योंकि इस घर में होता ही। हाँ है, तो चलो प्लीज़ इसमें ओपी लूट होना, प्लीज़ बहुत ओपी लूट, लेट्स गो। ओ माय गॉड, ओके पहला ही बहुत ओपी था, पर डायमंड की ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली यार, मेरे को लग रहा था कि फर्स्ट इसमें ही नेदरराइट फंसेगा। कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं, लालच बुरी वाला है गाइस, लालच इस बुरी वाला, ओके लालच ही बुरी। तो यहाँ पर हमको एक लेगिंग्स मिल चुके हैं, दो लेगिंग्स मिल चुके हैं हमको, सबसे बढ़िया कौन सी, ये वाली है, थॉर्न्स वाले पहन लेते हैं, थॉर्न्स बहुत काम की आती है, क्योंकि अगर थॉर्न से कोई अगर मारता है ना, तो अगर थॉर्न से नहीं कोई भी अगर मारता है तो थॉर्न्स उसका ऐसे मुकाबला करती है, कि थॉर्न्स उसको खुद ही डैमेज देती है, मतलब एक जॉम्बी अगर मेरे को मार रहा है तो थॉर्न्स उसको ही डैमेज देगा, जॉम्बी को ही डैमेज देगा। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड या अभी यहाँ पर पानी है, देखो वाह वाह, ओके ओके ओके, आसामिस निकल गया था, आसामिस निकल गया था, ओके ओके डन डन डन, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी है, एंड यहाँ पर क्ले भी है, और यहाँ पर एक देसी मुंडा भी है हमारा, देसी मुंडा मतलब आपको पता ही चल गया, गोलम, यस। चलो इसको अभी डर्ट तोड़ते हैं, अरे यार फिर से ये तोड़ना पड़ेगा इसको, टेन टेन टेन, यस लेट्स गो ऊपर चलो। हाँ हाँ अभी ये यहाँ पर देखो एक डर्ट फेंक देते हैं, फेंक क्या लगा देते हैं, प्लेस कर दिया मैंने गलती से, और इस और क्या रहे इसको, मेरे को डर्ट लेता हूँ, रुको इसको मारता हूँ, रुको उसका डर्ट कलेक्ट करता हूँ मैं, रुको। तो लेट्स गो, मैंने बहुत सारा ये डर्ट वो कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, तो चलो इसको अभी मारते हैं, लेट्स गो, टेन टेन टेन। और इस पर फायर रिस्पेक्ट भी लगा हुआ है, ओके मेरे को अभी पता चला। हाँ मैं ध्यान से नहीं देखता हूँ भाई सेस्ट वगैरह, तो अभी ये देखो भाई अभी हमको आयरन इंगट भी मिल गया, तीन आयरन इंगट्स मिल चुके हैं, और ये मैंने देखा था इंडिया में, मैंने आर्टॉन्स एंड अनब्रेकिंग एनचेंटमेंट लगी हुई है इंडिया, कैटी है, कैटी है। और भी इसमें ओ व्हाट व्हाट, रुको रुको थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा ऐसे ऐसे मुंह बनाते रिएक्शन देते, मतलब व्हाट व्हाट व्हाट। हाँ हो गया, बस बस बहुत ओवर एक्टिंग हो गया, हो गया बस बस बस, और एक बार देख लेना सही है, तो मेरे दे देते कर्स ऑफ वैनिशिंग, या आई हेट कर्स ऑफ वैनिशिंग यार भाई यार, कर्स ऑफ वैनिशिंग एंड कर्स ऑफ ब्लाइंडिंग है, दो चीज मेरे को बहुत खराब लगती है। अगर नेदरराइट की सस्पेंड लेते तो अलग बात है, क्योंकि नेदरराइट के अलावा और कुछ होता भी नहीं है ऊपर वाला, जैसे डायमंड के ऊपर नेदरराइट होता है, तो नेदरराइट के ऊपर कुछ नहीं होता। लेट्स गो ये, और यहाँ पर हमको हेवल मिल चुके, एंड
पिग तो यहाँ पर क्यों है? तेरे को तो भाई स्वर्ग में रहना सही था ना। मेरे को वर्ल्ड में पिक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो या थोड़ा सा बात विवाद में थोड़ा सा खूनी पन पद अब आ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, डोंट थ्री में मेरे को ही लेने वाले फाइनल है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को और एक औसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।